तो दोस्तों स्वागत आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। बात करेंगे स्कूल को रीओपन होने को लेकर इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। गाइडलाइन जारी की गई है, 1 जुलाई है, 1 जुलाई से स्कूल ओपन हो रहा है। शिक्षकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, बच्चों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। आज से शिक्षकों को बुलाया जा रहा है स्कूल, फिलहाल बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। ये खबर आपके लिए है, अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला विद्यालय निरीक्षक सतीश कुमार तिवारी ने बताया कि स्कूलों को खोलने को लेकर किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं है। पहले से प्रधानाचार्य के निर्देश पर शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों आदि के लिए आने का निर्देश दिया गया है। ग्रीष्मावकाश समाप्त हो चुका है, शिक्षक स्कूल आएंगे। प्रवेश समेत अन्य प्रशासनिक कार्यों को प्रधानाचार्यों के निर्देश पर निपटाया जाएगा। बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा, स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। या दोस्तों, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सेकंड फेज यानी दूसरे चरण में बुलाया जा रहा है। पहले चरण में टीचर्स जा रहे हैं, कर्मचारी जा रहे हैं। कानपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने बताया कि गुरुवार से स्कूल खुलेंगे और शिक्षक आएंगे। तो आज गुरुवार है, विद्यालय खुल गए हैं, शिक्षक पहुंच रहे हैं अपने विद्यालय। बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, शिक्षकों को प्रवेश लेने होंगे, ऑनलाइन पढ़ाई समेत अन्य कामकाज निपटाने होंगे। परिषदीय स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, माध्यमिक स्कूल हो या फिर मान्यता प्राप्त स्कूल हो, सभी को 1 जुलाई से खोला जा रहा है। गाइडलाइन आपको बता दें, सबसे पहले विद्यालय में टीचर्स जा रहे हैं, कर्मचारी जा रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को ऑनलाइन विद्यालय से, इसके बारे में भी गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें, विद्यालय में भी बच्चों को नहीं जाना है, ऑनलाइन शिक्षा से ही उनको शिक्षा प्राप्त होगी। फिलहाल उन्हें सेकंड फेज यानी दूसरे चरण में जाना है। क्लास फर्स्ट से क्लास 8 तक के बच्चों को दूसरे चरण में विद्यालय जाना होगा। वहीं 9 से 12 तक के बच्चों को जल्द विद्यालय बुलाया जा सकता है। जुलाई के 3रे या 4थे हफ्ते से उनके लिए भी विद्यालय खुलने वाला है। फिलहाल आपको बता दें, शिक्षक और कर्मचारी विद्यालय पहुंच रहे हैं। आज से उनके लिए 1 जुलाई से विद्यालय खुल गया है। अब उन्हें दैनिक कार्य करने होंगे जो उनको करने होते थे। विद्यालय के ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं, नए एडमिशन से लेकर टीसी ट्रांसफर तक, बच्चों को टीसी प्रोवाइड करना, एडमिशन करना, ऐसे तमाम कार्य हैं जो उन्हें करने होंगे। इसके साथ ही विद्यालय दूसरे चरण से खुल रहा है। फिलहाल भी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। विद्यालय अभी जुलाई में पहले दौर में, पहले चरण में बच्चों के लिए नहीं खुला है, शिक्षक और कर्मचारी के लिए खुला है। इसी प्रकार की डेली अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सही न्यूज़ दी जाएगी जिससे आप अफवाहों में नहीं पड़ेंगे और आपको सही जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैक्ट्स विद अमित पाठक चैनल को शेयर करें।